साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। मॉर्निंग का वक्त है और बहुत ही बड़ी दुखद घटना है साथियों। आज हम लोग ठीक पंचेत से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर कलियासोल प्रखंड जा रहे हैं। चूंकि सांप के काटने से एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और इतना जागरूकता फैलाने के बाद भी सुजय जी लोग ओझा गुनी के चक्कर में चले जाते हैं। ओझा गुनी को हमेशा के लिए त्याग दीजिए और आइए हम और आप देखते हैं कि कौन सा सांप काट लिया था जो बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि बारिश का मौसम है, आए दिन किसान भाई हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, रात को सोते समय मच्छरदानी लगाएं। और सुजय जी और हम खुद ऑन द स्पॉट जा रहे हैं, वीडियो में बने रहे हैं। बहुत ही दुखद बड़ी घटना है साथियों, देखा जाए कौन सा सांप है। देख रहे हैं इतना जंगल झाड़ एरिया है इधर, इसमें बच्चा गेहूँ जो होता है आटा पेट के चलते गया हुआ था और उसी में क्या हुआ उस बच्चे का, सांप के ऊपर पैर दब गया और बच्चा को सांप काट लिया। तो वीडियो का आप दोस्तों अंत तक बने रहे। देखो भाई हम कोई जादूगर नहीं है, नहीं मैंने छोटा मोटा सांप पकड़ते हैं और जब भी कोई बड़ा घटना होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचे और पहुंच करके सही चीज को बताएं। जो होने का है वो तो हो गया, आप लोग सही बताइएगा। अभी जो हम लोग का फोटो भेजा गया है यहां से, जिसको काटा है वो बच्चा कहाँ है? अच्छा घर के अंदर है, पहले हम लोग को ले चलिए वहाँ पे। देखिए हम लोग कोई जादूगर नहीं है और लोगों का एक उम्मीद जुड़ा हुआ है कि हो सकता है मुबारक आएगा, हो सकता है सुजय जी आके कुछ ऐसा करेगा जो बचा देगा। ये बिल्कुल मिथक है। सांप काटने के बाद एक ही चीज आपको बचा सकता है, वो है सदर हॉस्पिटल में ये फ्री में दिया जाता है। मुखिया जी लोगों को दिखलाइए कैमरा में, सांप कोई भी काट ले आप बिना देर किए पीएमसीएच जाइए, बिना देर किए एलएम हॉस्पिटल जाइए, दोनों दूर है। आप मेरे यहाँ पंचेत हॉस्पिटल आइए, गवर्नमेंट फ्री में देती है इंजेक्शन, निजे इंजेक्शन टा तैयारी करे और निजेर हस्पताले फ्री ते पावा जाए, किंतु अपना के आस्ते होवे हॉस्पिटल उसे उठे अपनार काछे आसबे ना। यही एंटी वेनम सीरम है, इसलिए लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि आप लोग समय को बर्बाद न करते हुए, कोई कह दिया कि चलिए यहाँ भुरकुंडा में ओझा है बचा देगा, कोई कह दिया ले चलिए उस नदी का उस पार ओझा बचा देगा, अरे ओझा ही अगर ठीक ठाक करता तो एगो ताबीज भैया आईपीएस अफसर बनने के लिए नहीं पहन लेते, अपना बेटी बेटा बेटी को एगो ताबीज पहना देते कि डॉक्टर इंजीनियर बने। इसीलिए एक टाइम मत खाइए, शिक्षा से जुड़िए और शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है। चूंकि गमगीन माहौल है और इस माहौल में अच्छा मुबारक बाबू, हाँ पूछिए सर, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं आप भी हैं, मुखिया साहब भी हैं, हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई उपाय होगा कुछ मदद करने के लिए वो भी आप दोनों नहीं नहीं थोड़ा बताएंगे तो इसीलिए तो हम आए हैं, हम आए हैं किस लिए, पहले हमको देखने दीजिए उसके बाद जो होगा सही वो बता देंगे। एकदम 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 कहाँ पर काटा है थोड़ा हमको, नहीं नहीं कहाँ काटा, कहाँ थोड़ा हट, तुम हट जाओ ये थोड़ा सा सुजय जी उसको कपड़ा को हटाइए इसी पैर में, नहीं रहने दीजिए इसी जगह पर, यही थोड़ी यही वाला है, यही वाला नहीं है, छोटी छोटी है, यही वाला है, यही वाला, ये वाला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पूरा ले लो अच्छा नहीं लगेगा हम लोग उड़ा दी तो खाली मुंह खाली। साथियों इतना बड़ा अभियान चल रहा है, देश में बेटी है तो देश एक बेटी का है,
थोड़ा सा ये जो घटना हुआ है, ये जो घटना हुआ है, एक बच्ची है किसी का, ये भी हमारी भी बेटी हो सकती है, कल दिन इस तरह का घटना हो जाएगा। आप लोग गाँव वासी से अपील है हमारी, आइए इस दुख का घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं। और उसके बाद 4 बजे 5 बजे नहीं होता है ना। अरे भाई आखिर लेके करेगा, मोहम्मदन होगा दफना देगा, हाँ हिंदू भाई होगा जला देगा, छोटा बच्चा लोग को भी दफना दिया जाता है। हाँ अगर प्रक्रिया कर देते हम लोग, ये सांप अगर पकड़ लेते हैं तो मुखिया जी का देख रेख में कोई जंगल में छोड़ देंगे। आप लोग बुरा नहीं माने, ये सांप है और सांप हमारा शत्रु नहीं है, ये पर्यावरण मित्र है। जो सांप काटा है बच्ची को, यहीं पर लोग बता रहे हैं देखा गया था, इसको अगर हम लोग पकड़ते भी हैं तो हमारे गांव का 10-20 आदमी के साथ मिलके गांव वासी जहां बोलेगा यहां से दूर 1-2 किलोमीटर दूर जंगल में इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं बड़े भाई लोग? किसी को काटने का दिक्कत हो जाए, मान लीजिए यहाँ सांप है रहेगा, कल दिन फिर किसी को काट लेगा, और किसी को काट लेगा तो फिर मरेगा। इसीलिए हम लोग गांव वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, বহুত দূর রাস্তা করে দিচ্ছ, কোথায় কোথায় রাস্তা করছো? ঠিক আছে বলিয়া না, বলিয়া লড়কা লড়ি করলে বলিয়া आप लोग मदद कीजिए। अंदर चल गया है इसका। घर का अंदर नहीं ना, घर अंदर प्लास्टर है, ऐसे प्लास्टर है, एक बार देख लेंगे, उधर देख लेंगे। और वो मरी मरी हम देख रहे हैं। हाँ देख क्या देख कर क्या उसको भी तो डर है, ऐसा थोड़ू है। रात को अगर निकल के चल गए भैया, इधर भी देखिएगा आवाज करा ले देख भाई, घर का मालिक को थोड़ा बोल दीजिए ना, झगड़ा नहीं। नहीं घर नहीं कुछ करने को, एक हमें लो ना भैया, थोड़ा सा मदद करो ना आप लोग। সকালে দেখিয়েছো বলা শুভ কি দেখা ও দেখো ঢড় ঢড় আছে কেন ঢড় আছে বেটা বহুত বড় फिर चल जाएगा उधर, उधर चल जाएगा। अरे आप लोग
मुबारक दा ए तो फोटो पहुंच चले साथियों आप लोग देख सकते हैं इसी सांप से बाइट हुआ है, क्योंकि गांव वासी हमें बुलाया है और हमारा काम है ये सांप को गांव वासी के सामने ही कोई बड़ा जंगल में छोड़ देंगे, ताकि गांव वालों बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है ना कि हमारा देवता ले जा रहा है, तो यहाँ ना छोड़ करके आप लोग जहाँ बोलिएगा जिस जंगल में बोलिएगा या सांप आप ही लोग रख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा काम था आपको पकड़ना। उस बच्चे की काटने से मृत्यु हो गई है। ये गेहुअन सांप है जिसको हिंदी में नाग सांप कहते हैं, इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं, और हम लोग का इधर झारखंडी भाषा में खरीस भी कहते हैं। हाँ, काफी डर बोल दिया, खाली मेरा घर जैसे कुछ ना हो। ये पत्थर है ना भैया, पत्थर गांव वाले चाहते हैं कि सांप को कम से कम घर का गार्जियन लोग देख ले, जो भी हमारा दादा है चाहे दीदी है चाहे बेटी लोग देखने के लिए ही लोग आया है। थोड़ा सा दूर रहिए भैया, साथियों ये सांप पकड़ने का एक औजार है, औजार से ही हम लोग को सांप पकड़ते हैं, कोई ताबीज नहीं है कोई जड़ी नहीं है, देखिए यही सांप है। चूंकि इतना ही ज्यादा भीड़ है और गर्मी है, सांप भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है। ये खरीस सांप है जिसको हम लोग गेहुअन के नाम से भी जानते हैं। जैसा हमने बताया आप लोगों को, पोस्टमार्टम जरूर करवाइएगा और आधार कार्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जेरोक्स करके जहां जहां हम बताएंगे वहां वहां आप लोग देने का कष्ट करेंगे। चलिए देख लिया, तो ये एक बहुत बढ़िया मैसेज दे रहा है कि मेरा बेटी तो जाने के लिए चल गया। अब हम लोग यही चाहेंगे कि खुदा ईश्वर अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे और गांव वासी इन लोग का सपोर्ट करे, और जब भी इस तरह का बड़ा घटना हो तो हम लोगों को बुलाया जाए। हम लोगों का नंबर है 9333320555 पर कॉल करें। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन 30-40 किलोमीटर हम लोग कहीं भी चल जाएंगे। कुआं में गिर गया, मछली का जाल या घर के अंदर घुसा हुआ, वो सब सांप को पकड़ना और बड़ा बड़ा जंगल में ले जाकर के छोड़ना, इसका भी जीने का अधिकार है। चलिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।
के अध्यक्ष सर्पदंश सर्पघात हेतु इलाज झाड़ फूक की माध्यम से की जाती है। अगर झाड़ फूक से ही जान बच जाता तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह सर झाड़ फूक वाले को बैठा देते। साथियों, इतना ही ज्यादा भीड़ था, इस भीड़ से बचते हुए मुखिया जी को रिक्वेस्ट किया कि सर दो तीन आदमी दीजिए ना, उन लोग के सामने हम लोग जंगल में छोड़ देंगे। भैया क्या नाम है? एमडी मजीद अंसारी। सलाम अलैकुम। आप भैया? मोहम्मद सिराज अंसारी। सलाम अलैकुम। आप? मोहम्मद मुल्तान अंसारी। मोहम्मद मुल्तान अंसारी, तीनों मुखिया प्रतिनिधि हैं और उसी गांव के हैं। और हमारे जितने भी वीडियो देखते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसको हम लोग रिलीज करने का के लिए ही इस गांव में, गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक जंगल में आ चुके हैं। सुजय जी वहां छोड़िए साहब, जंगल में। अगर गांव वाला के नजर में होता तो ये अभी तक मर जाता, लेकिन इसे बचा करके हम लोग छोड़ दे रहे हैं ताकि हाँ ये वहां छोड़ दीजिए, चला जाएगा। इसी तरह आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोग गांव में हमें बुलाएं। आप लोग बधाई के पात्र हैं, जितना भी श्रेय जाता है आप लोग पर जाता है कि चलो गांव वाला सांप को मार देता, लेकिन भैया लोग का सूचना पर गए, इसे रिलीज कर दिया। फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे और कोई घटना हो तो जरूर बुलाइए हम लोग को, है? कोई घटना हो जाए तो जरूर बुलाइए, ताकि ये एक जागरूकता अभियान है साथियों। बहुत सारे गरीब गुरुआ को ये भी पता नहीं, इन लोगों का कहना है गांव के बगल में एक आदमी को काटा, पोस्टमार्टम हाउस ले गया, कोई कारण से छुट्टी था, दूसरा दिन ले जाता तो वो बेचारा को भी 4 लाख मिलता ना भाई, कुछ गरीब का तो मदद हो जाता। चलिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद छूने का आगे सर। साथियों, सांप को बिल्कुल फ्री हैंडलिंग ना करें। ये देखिए क्या है, देख रहे हैं? जब 20,000 का मोबाइल लेके घूरेंगे तो कम से कम यार 3,500 से 4,000 रुपया दाम है, इसको ले लो, फ्री हैंडलिंग जाके डायरेक्ट मत पकड़ो, इसमें मरने का चांस रहता है। सावधानी हटी पूरी सब्जी बंटी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।